Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Tessana Jose, and today we are going to do some grammar work. Okay? We have completed our books, so we will be starting off with our grammar. Okay? Uh, we have very less portion in this articles, pronouns, adjectives, verbs, and sentences. Okay? And we have small, small exercises for it in each category. Okay? So we'll start off with articles. You know no, what articles are a and the. Okay? ए कॉन्ेंट के सामने यूज होते हैं एन ए ई आई ओ यू के सामने और द कोई भी स्पेशल चीज़ या भी कोई भी सिंगल चीज़ जो है उसके सामने द यूज़ होता है ठीक है या फिर हम ऑलरेडी जिसके बारे में बोल चुके हैं अगर उसी के बारे में दोबारा बोल रहे हैं तो ए या एन यूज़ करने की जगह वी यूज़ द ठीक है ना विल स्टार्ट ऑफ ओके वावल्स कौन से पता है ना एन किसके सामने आता है इनके सामने एन आएगा बाकी सब ए एंड द फर्स्ट वन इज सीमा डैश एप्पल एंड डैश बनाना फॉर ब्रेकफास्ट सीमा है बनाना क्यों बी कॉन्सनेट है और ए है राइट नेक्स्ट आई सॉ डैश बटरफ्लाई बी क्या है uh, vowel है वावुलेंट कॉन्सनेट सो आई सॉ अ बटरफ्लाई नाव डैश बटरफ्लाई वॉज कलरफुल आई सॉ अ बटरफ्लाई मैंने एक बटरफ्लाई देखा एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम बटरफ्लाई उसी बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहे हैं तो द बटरफ्लाई ठीक है नेक्स्ट राजू बॉट डैश आइसक्रीम डैश आइसक्रीम वॉज वेरी टेस्टी राजू बॉट डैश आइसक्रीम आइसक्रीम आई ए ई आई ओ यू सो एंड बॉट एन आइसक्रीम एंड उसी आइसक्रीम के बारे में बात हो रही है तो द आइसक्रीम वॉज वेरी टेस्टी मीना इज अ डॉक्टर शी वर्क इन डैश हॉस्पिटल किसी हॉस्पिटल में कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल नहीं बोला है कोई हॉस्पिटल है तो एच एच कॉन्सनेंट है इसलिए ए डैश हॉस्पिटल इज वेरी बिग अब उस सेम हॉस्पिटल की बात हो रही है सो दॉस्पिटल ठीक है नाउ जॉन सो डैश ओल्ड मैन रीडिंग डैश बाइबल जॉन सो डैश ओल्ड मैन ओ इज विल सो एन ओल्ड मैन रीडिंग डैश बाइबल मैम ने क्या बताया था कोई भी स्पेशल चीज हो कोई भी सिंगल सी चीज हो उसके सामने द लगता है बाइबल गीता महाभारत ये सब एपिक बुक्स है है ना बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है सो so, और ये एक ही है मतलब बुक्स प्रिंट बहुत सारी होती है बट बुक तो एक है ना सो so, उसके सामने भी द लगेगा द ताजमहल फिर द आईफिल टावर ठीक है सो उन सब के सामने द लगेगा कोई स्पेशल बुक है उसके सामने द लगेगा राइट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रीड राइट द सेंटेंसेज यूजिंग द आपके पास कुछ सेंटेंसेस है जहाँ पे द मिसिंग है आपको करेक्ट जगह पे द लगाना है सो द फर्स्ट वन इज वी वेंट टू आगरा टू सी ताजमहल यहाँ पे स्पेशल चीजें क्या है ताजमहल एंड प्लेस का नाम आगरा प्लीज़ रिमेंबर किसी भी प्लेस के सामने द नहीं लगेगा ठीक है किसी भी प्लेस के सामने द नहीं लगता है सो द सेंटेंस विल बी वी वेंट टू आगरा टू सी दी ताजमहल ठीक है आगरा के सामने द नहीं लगेगा ताजमहल के सामने द लगेगा नेक्स्ट कुरान इज अ होली बुक कुरान इज अ होली बुक यहां पे स्पेशल क्या है कुरान

Beautiful building, ठीक है Kingdom Tower के सामने द आएगा क्यों क्योंकि special है और एक ही है right? So we went to Agra to see the Taj Mahal. The Quran is a holy book. The Kingdom Tower is a beautiful building. Okay? मतलब कोई भी जो स्पेशल चीजें हैं या सिंगल चीजें हैं या किसी के बारे में हम ऑलरेडी बोल चुके हैं उसी के बारे में जब बात कर रहे हो तो वी यूज द सन राइजेस इन द ईस्ट स्पेशल कौन है सन सन राइजिस इन द ईस्ट ठीक है नेक्स्ट कैन यू सी मून एंड स्टार्स इन द स्काई कैन यू सी द मून ठीक है मून एक ही है ना स्टार इन द स्काई क्वेश्चन है सो वी है क्वेश्चन मार्क ठीक है आपको और आ, समझ में आया ना कि द कहाँ यूज होगा ए कहाँ यूज होगा और एन कहाँ यूज होगा ए यूज होता है कॉन्सिडेंस के सामने एन यूज होता है वाउल्स के सामने एन द कब होता है जब कोई स्पेशल चीज है या कोई स्पेशल मोन्यूमेंट है कोई स्पेशल बुक है या फिर कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप पिछले सेंटेंस में ऑलरेडी बात कर चुके हो ठीक है नेक्स्ट इज प्रोनाउंस प्रोनाउंस क्या होते हैं नाउंस पता है ना आपको नेम प्लेस एनिमल थिंग ठीक है नेम किसी भी इंसान का नाम किसी भी जगह का नाम एनिमल का नाम किसी भी चीज का नाम दिस इज नाउ प्रोनाउन होता है जो वर्ड्स आप इन नाउन्स की जगह पे यूज़ करते हो ठीक है लाइक किसी के नाम के सामने uh, किसी का नाम यूज़ किया नेक्स्ट सेंटेंस में आप फिर से नाम लिखने की जगह वॉट डू यू यूज़ यू यूज़ ही हिज हर हिम दे देर है ना? ये वर्ड्स यूज़ होते ना फिर अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं तो वी तो ये सब क्या है Pronouns है द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन ठीक है सो एनसर्कल द करेक्ट प्रोनाउन ओके मेल्स के लिए मेल एंड फीमेल मतलब गर्ल और बॉय ठीक है मेल के लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज होता है ही हिज हिम यहां पे शी ह फिर फिर क्या है फिर क्या है अभी नेक्स्ट आएगा तो करेंगे ही और शी इज अ बॉय बॉय के लिए क्या है ही तो ही इज अ बॉय आई वी आर प्लेइंग यहाँ क्या है आर अच्छा आर ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है एंड इज कम एक पर्सन एक के लिए ठीक है आई एम ओके वेट ये हो गया आपका मेल फीमेल देन सिंगल सिंगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल मतलब एक और एक से ज्यादा सिंगल चीजों में आएगा आई वी आई मी मई और उस प्लूरल uh, में आएगा वी देन आई में इज आएगा या फिर एम आएगा सिंगुलर में एम आएगा या इज आएगा यहाँ पे आर आएगा वर आएगा फिर सिंगल ही हिज पे देर फिर uh, हम्म अभी और आएगा आगे आएगा तो डू ठीक है तो इसको याद रखना सिंगुलर चीजों में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं प्लूरल में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ठीक है ठीके? सो नाउ आई और वी आर प्लेइंग वी आर प्लेइंग है ना आर ज्यादा लोग है सो वी नेक्स्ट इज शी और इट इज अ डॉग एनिमल्स चाहे आपके कितने भी प्यारे पेट क्यों ना हो बट यू नेवर यूज ही और शी फॉर एनिमल्स यू ऑलवेज यूज इट फॉर एनिमल्स ठीक है सो इट इज अ डॉग ही और शी इज माई मदर फीमेल के लिए क्या है शी तो शी इज माई मदर आई और शी एम सिक्स ईयर्स ओल्ड सिंगल के लिए क्या यूज हो रहा है इज या फिर एम सो आई एम अंकित वेन टू अ शॉप ही और शी बॉट कैंडीज अंकित लड़का या लड़की लड़का सो वॉट विल बी द प्रोनाउ ही नेक्स्ट इज दे ही रीड्स टू हिज ग्रैंड मदर एवरी डे कोई एक पर्सन है जो अपनी ग्रैंड मदर के लिए डेली रीडिंग करके देता है सो so, ही आएगा या दे आएगा ही क्योंकि एक ही पर्सन है ना एक ही पर्सन की बात हो रही है सो ही ठीक है सो इसको याद रखना ट्राई करो कि लिख लो एक, एक दो बार लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है सो ऑलवेज रिमेंबर दिस नेक्स्ट इज रीप्लेस द एंड सर्कल्ड वर्ड्स विथ प्रोनाउंस आपके पास जो वर्ड्स अंडरलाइन है ना इनको इनकी जगह पे आपको एक प्रोनाउन यूज करना है ठीक है फर्स्ट वन इज दिस इज माई फादर माई फादर इज अ डॉक्टर दिस इज माई फादर दिस इज माई फादर ओके अब मेरे फादर की बात हो रही है तो मेरे फादर को मैं फिर से माई फादर बोलूंगी नो आई विल से ही इज अ डॉक्टर अगर मदर होता तो शी ठीक है next this is divya divya's dress is beautiful this is divya next is divya's dress yes divya hai divya ki dress so her dress is beautiful next this is a cat the cat has many kitten, कैट एनिमल है क्या बोला था एनिमल के लिए क्या यूज होगा इट दिस इज अ कैट इट हैज मेनी किटन राइट नेक्स्ट राज एन सीमा वेंट टू द मार्केट सीमा बॉट बनानास लोग हैं है ना तो सिंगलर प्लूरल में क्या लिखा था दो लोग के लिए दे देर देम ठीक है सो यहां क्या आएगा राज एंड सीमा वेन टू द मार्केट एक से ज्यादा लोग हैं सो दे बॉट बनानास राइट right? एक से ज्यादा लोगे तो दे एनिमल है तो इट लड़की है फीमेल है एंड उसका उसकी ये बोल रहा हूं तो ह एंड मेल के लिए ही ओके सो प्लीज रिमेंबर द सिंगुलर प्लूरल एंड द जेंडर नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब किसी भी चीज की क्वालिटी क्वांटिटी कलर नंबर साइज ये सब बताने वाले वर्ड्स आर एडजेक्टिव ठीक है सो द फर्स्ट वन इज अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद ऑपोजिट आपके पास जो सेंटेंसेस है उसमें आपको पहले एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है उसके बाद उसका ऑपोजिट लिखना है ठीक है सो वील स्टार्ट टी इज हॉट बट जूस इज डैश टी कैसा है हॉट है सीता इज थिन सिमरन इज डैश सीता कैसी है थिन यहाँ पे टेम्परेचर बताया है यहाँ पे शेप बताया है रीना इज शॉर्ट टीना इज डैश साइज बताया है लेंथ द माउस इज स्मॉल एलिफेंट इज डैश साइज बताया है यहाँ पे सम्स आर इजी दोज आर डैश उसका क्वालिटी बताया कि सम कैसा है ईजी है या फिर नहीं है ठीक है सो नाउ यू हैव टू राइट दी ऑपोजिट्स हॉट कोल्ड थिन फैट शॉर्ट टीना इज टॉल टॉल स्मॉल बिग ईजी हार्ड फिर डिफिकल्ट ठीक है यहां डिफिकल्ट भी लिख सकते हो हार्ड भी लिख सकते हो कोई एक लिखना ठीक है सो टी इज हॉट जूस इज कोल्ड टी हॉट है जूस ठंडा है हॉट का ऑपोजिट कोल्ड सीता इज थिन सिमरन इज फैट रीना इज शॉर्ट टीना इज टॉल माउस इज स्मॉल एलिफेंट इज बिग द सम्स आर इजी दोज आर डिफिकल्ट ठीक है सो so, किसी भी वर्ड को जब कोई वर्ड डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन को कोई वर्ड जब डिस्क्राइब करता है तो उस डिस्क्राइबिंग वर्ड को बोलते हैं एडजेक्टिव चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड आपके पास ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको बताना है कि ये चीज इनमें से क्या हो सकते ठीक है कि किसी स्पेसिफिक चीज को किसी पर्टिकुलर तरह से ही हम डिस्क्राइब करेंगे ना कुछ भी तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते सो द पीकॉक इज डैश अगली या ब्यूटिफुल

लाइन इज स्ट्रोंग एंड बलून इज लाइट ठीक है सो एक पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करने का एक तरीका होता है, है ना अभी कर सकते हैं ना राइट नाउ यू हैव वर्ब्स वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स मतलब आप जब कुछ करते हो कोई मूवमेंट हो रहा है या कुछ भी कर रहे हो द डूंग वर्ड्स आर वर्ब्स ठीक है सो चूज द करेक्ट वर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक यूजिंग इज और आर इज कहा यूज होता है जब सिंगल चीज है आर कहां यूज होता है जब मोर देन वन है सिंगल और प्लूरल में द स्टार्स डैश इन द स्काई स्टार्स है एक से ज्यादा है सो शाइनिंग द स्टार्स आर शाइनिंग ठीक है अगर एक स्टार होता तो इज द बर्ड्स एक से ज्यादा है आर चॉपिंग। चॉपिंग मतलब बर्ड्स की आवाज को चॉपिंग बोलते हैं द बेकर डैश अ केक द बेकर बेकर एक ही है सो द बेकर इज बेकिंग अ केक द कैट डैश अ माउस chasing। एक ही कैट है सो so, कैट इज चेजिंग अउस ठीक है कैट एक ही है ना सो so, इज एक से ज्यादा कैट होता तो आर रमेश एंड रोहित डैश देर होमवर्क रमेश एंड रोहित डूइंग दूं, दो लोग हैं है ना दो लोग हैं ना सो so, रमेश एंड रोहित आर डूइंग डांस एक से ज्यादा डांसर्स है तो आर डांसिंग द चाइल्ड एक ही बच्चा है सो द चाइल्ड चाइल्ड इज सॉल्विंग दसम आप मैथ सॉल्व करते हैं ना मैथ सॉल्व करते हैं ठीक है द आर्टिस्ट डैश अ पिक्चर आर्टिस्ट एक ही है सो द आर्टिस्ट इज पेंटिंग अ पिक्चर द बेबी डैश बिटर्ली एक ही बेबी है द बेबी इज क्राइंग बिटर्ली बिटर्ली मतलब बहुत जोर जोर से रो रहा है राइट right? नेक्स्ट इज द गर्ल्स डैश ऑन द बेंच एक से ज्यादा गर्ल्स है है ना गर्ल्स है तो द गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंच ठीक है एक है तो इज एंड एक से ज्यादा है तो आर नाउ अभी क्या बोला था uh, ए, एक के लिए इज और एक से ज्यादा आर नेक्स्ट थिंग इज अगर आपके पास कोई नाउन है एंड उसके साथ आप उसका वर्ब लिख रहे हो तो अगर नाउन सिंगल है तो वर्ब प्लूरल होगा मतलब एस लगेगा और अगर नाउन प्लूरल है तो आपका वर्ब में आ, एस नहीं लगेगा ठीक है क्रॉस क्रॉस है अगर आपका नाउन सिंगल है तो आपका वर्ब एस लगेगा एंड अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा ठीक है याद रखना ये चीज नाउ एट दिस बर्ड्स यहां पे आपको एनिमल्स की वॉइसिस दी हुई है आवाज दी हुआ है क्या आवाज करते हैं एंड यहां पे एनिमल्स के नाम है आपको एस लगेगा या नहीं लगेगा ये डिसाइड करके लिखना है राइट सो विल स्टार्ट बर्ड्स बर्ड्स क्या आवाज करते हैं चप अब यहां पे देखो मेरे पास नाउन में एस है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा यहां पे देखो एक ही बर्ड है नाउन में मेरे पास एक ही बर्ड है तो वर्ब जब लिखूंगी तो एस लगेगा आपको समझ में आया अगर आपका जो नाउन है वो लूरल है तो आपका जो डूइंग वर्ड है उसमें एस नहीं लगेगा अगर नाउन में एस है अगर नाउन में एस नहीं है तो वर्ब में एस लगेगा डॉग्स सो so, आपके पास डॉग्स है एस लगा हुआ है प्लूरल है तो आपके पास वर्ब क्या आएगा बार्क एस नहीं लगेगा एंड डॉग है सिंगल डॉग है तो बार्क्स नाउ दिस गोज फॉर एवरीथिंग काउज एक से ज्यादा काउज है तो मू एंड एक ही काउ है तो मूज नेक्स्ट कैट्स एक से ज्यादा कैट है तो म्यूज एंड एक ही कैट है तो म्यूज़। लास्ट वन इज कॉक कॉक क्या करता है कॉक क्रोस। सो क्रो क्रोस ठीक है ये चीज याद रखोगे ना नाउन आपका सिंगल है तो आपका वर्ब प्लूरल आएगा एंड नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब सिंगल आएगा ठीक है लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंसेस क्या होते हैं सेंटेंसेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस मतलब कुछ वर्ड्स जिनको आप जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हो एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन uh, बनता है उससे वो पढ़ने का हो या बोलने का हो ठीक है कोई भी फ्रेज सिंगल दो फ्रेज अगर मैं बोलूँ रेड रोज तो ठीक है आपको समझ में तो आ गया कि रोज रेड है बट क्या है कैसे है कुछ नहीं बोला मैंने सो so, अगर मैं बोलूँ कि दिस रोज इज रेड देन आपको समझ में आएगा ठीक है मेरे पास एक रोज है वो रेड है सो इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेट्स ठीक है सो यहां पर आपके पास जाम्बुल वर्ड्स है उल्टा पुलटा है आपको एक सेंटेंस बनाना है फ्लार ब्यूटिफुल अ रोज द इज द रोज इज अफुल फ्लार ठीक है नेक्स्ट डॉग अ पेट इज एनिमल डॉग इज अ पेट एनिमल फुल स्टॉप लगाना नहीं बोलना है ठीक है कैपिटल लेटर पे स्टार्ट होगा फुल स्टॉप पे एंड होगा डॉक्टर मेडिसिन अस गिव्स द। डॉक्टर The Doctor gives us medicine. Right? Next, love toys, children. Children love toys. Easy enough? Right? Easy enough? Right? So The rose is a beautiful flower. Dog is a pet animal. The doctor gives us medicine. Children love toys. Okay? Children, child का plural है इसलिए उसमें childrens मत करना, कभी नहीं करना. Rewrite the sentences using the rules of sentence. Rules क्या हैं? Capital पे start होना है, end होता है तो full stop होगा. अगर आप पूछ रहे हो, if it's a question then question mark लगेगा, then uh, I अगर sentence के बीच में आ रहा हो तो capital ही आएगा. ये सब रूल्स है ना आते हैं ना आपको सो लेट्स सी अ बलून इज फुल ऑफ एयर कैपिटल ए अ बलून इज फुल ऑफ एयर फुल स्टॉप इंडिया इज माय कंट्री कैपिटल अच्छा अगर किसी कंट्री का ये प्लेस का नाम लिख रहे हो आप तो अगर वो सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है तो भी वो कैपिटल से ही स्टार्ट होगा ठीक है द नेम ऑफ एनी स्पेशल थिंग प्लेस हो सकता है या किसी का नाम हो सकता है या फिर कोई सिंगल चीज कोई स्पेशल सिंगल सी चीज है वो हो सकता है तो वो चाहे सेंटेंस के सेंटर में क्यों नहीं आ जाए इट विल बी ऑलवेज स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर ठीक है सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कैपिटल एंड इफ इट इसम Occurring in this middle of a sentence, even then it will be starting with a capital letter. Fish live in water. Fish live in water. Right? Does the cow give milk? Now it's a question, right? koi pooch So

एट द एंड ऑफ अटेंस एट द स्टेटमेंट पुट अ फुल स्टॉप एट द्वेश्चन पुट अ क्वेश्चन मार्क स्टार्ट योर सेंटेंस विधअ कैपिटल लेटर ऑल द स्पेशल्स वुन इफ दे आर इन दिसर ऑफ अटेंस अगर सेंटेंस के बीच में भी है तो भी स्पेशल चीजों के नाम कैपिटल लेटर से आएंगे क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है स्टेटमेंट या सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा देन uh, किसी का भी नेम किसी प्लेस का नेम किसी मॉन्यूमेंट का नेम ये सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा चाहे वो सेंटेंस के बीच में क्यों नहीं हो ठीक है ओके सो दैट वॉज योर सेंटेंसेस राइट सो दैट वॉज ऑल इन द ग्रामर पोर्शन फॉर क्लास टू छोटा सा ग्रामर पोर्शन ठीक है सो दैट एंड्स विद सिलेबस ऑफ क्लास टू वी विल बी नेक्स्ट डूइंग दर्कशीट्स फॉर क्लास टू ठीक है So till we meet next, take care.